All right, so this is the unit first, block first of PEGC 109 British Romantic Literature. Unit 1 is all about introduction to the Romantic Age. Is unit mein hum romantic movement ke background ko cover karenge. We'll cover the definition of romanticism, salient features of romanticism and early romantic poets. Is part tak ye 1.5 section tak hum aaj complete karenge. Okay. So let's begin with today's session. Objectives of this unit: to provide a comprehensive view of romantic movement, its beginnings, its sources of inspiration, its important features, its major figures and contributions. So comprehensive view ek milega ek matlab just milega ki kis tarike se iski beginning hui thi and inspiration. Of course koi bhi cheez shuru hoti hai to uska ek source of inspiration hota hai, fir usko develop karte hain aage ke log, to iska inspiration क्या था वो देखेंगे. इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे, मेजर फिगर्स विच मीन्स मेजर राइटर्स ऑफ दिस पीरियड पढ़ेंगे एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस विच मीन्स उनका जो बुक्स होगा, जो उनका पोएम्स होगा वो देखेंगे. एंड सेकेंडली इट विल इनेबल अस टू एनालाइज, आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट रोमांटिक लिटरेचर. एनालाइज करेंगे रोमांटिक लिटरेचर क्या है, उसको आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट करेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर एज अ सिग्निफिकेंट एंड फ्रूटफुल लिटरेरी एपोच. और रोमांटिक मूवमेंट का इंग्लिश लिटरेचर में क्या सिग्निफिकेंस है और उसका एपोच वो लिटरेरी एज है. ये जो रोमांटिक मूवमेंट है ये एक लिटरेरी एज है, लिटरेरी एपोच है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में. ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा बट मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि इंग्लिश लिटरेचर अगर पढ़ रहे हो तो रोमांटिक मूवमेंट और रोमांटिक लिटरेचर के बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का. अगर आप किसी से कहोगे कि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो वो आपसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछेंगे कि वॉट ऑल डू यू नो अबाउट रोमांटिक पीरियड और रोमांटिक एज. सो वहां पे यू शुड नॉट बी ब्लैंक. अगर आप इंटरेस्टेड हो या नहीं भी हो, स्टिल यू शुड नो कि रोमांटिक मूवमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी एंड रोमांटिक लिटरेचर में इतना अच्छा क्या था. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. रॉबर्ट बर्न्स यूज ऑफ द फोक सॉन्ग एंड विलियम ब्लेक्स यूज ऑफ मिस्टिसिज्म एंड सिंबोलिज्म. इस यूनिट में ये आगे जाकर रॉबर्ट बर्न के बारे में बताया गया, एक पोएट थे रोमांटिक पीरियड के, ये फोक सॉन्ग का यूज करते थे. विलियम ब्लेक यूज्ड मिस्टिसिज्म एंड सिंबोलिज्म व्हिच मींस वो कुछ मिस्टीरियस राइटिंग्स लिखते थे एंड सिंबोलिज्म इमेजेस का यूज करते थे. विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, मेजर फिगर्स रोमांटिक मूवमेंट को के, एंड इनको रोमांटिक पोएट्री के का पायोनियर्स भी बोला जाता है. ओके Now, this was just the introduction part, nothing important in that. But here comes the background to the romantic movement, and this part is important. इसमें ये देखा जाना है हमें कि इस period का duration क्या है या कह सकते time scale क्या है. So it began in 1798 when Wordsworth and Coleridge published lyrical ballads in 1798 एंड सर वॉल्टर स्कॉट डाइड इन 1832. सो ये जो दो ईयर्स हैं ये मार्क करते हैं रोमांटिक मूवमेंट, सॉरी रोमांटिक लिटरेचर या रोमांटिक पीरियड के बिगिनिंग एंड एंड को. सो ये जो बिगिनिंग वाला चीज है, बिगिनिंग कब हुई, जब वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया था. एंड व्हाट इज लिरिकल बैलेट्स, ऐसे पोएम्स जो स्टोरीज को रिसाइट करे, उसमें लिरिकल लगे एंड उसमें स्टोरीज को रिसाइट करने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हो. ओके Now, during this period, England moved from being a primarily agricultural to modern industrialized society. इस period में England जो है वो primarily agricultural, जब कह सकते हैं कि romantic movement के time पर, पहले England primarily agriculture हुआ करती थी, but इस movement के बाद ये वाली England की जो part थी वो modern industrialized society बन गई. And एक और important point यहाँ पे, इस part में, इस period में reform bill pass हुई थी. और reform bill वो bill है जो middle class या laborers को एक right देती है vote करने की. The right to vote was provided to the middle class and laborers, and this bill came to be known as Reform Bill. During this period, England moved from being a primarily agricultural to modern industrialized society. The American Revolution led to the Declaration of Independence.
1776 by the 13 colonies, the French Revolution was a shattering and sundering event which affected the whole of Western Europe in several ways. So yahan political issues ki baat ho rahi hai. American Revolution ki wajah se declaration of independence hua of 13 colonies, and French Revolution ek shattering event tha jiske wajah se Western Europe pe bahut impact pada. Ab Europe ka to har taraf mein kabza tha, colonization kiya hua tha Europe ne sari countries pe, America pe, France pe. So ye jo revolution ke baad सबने इन यूरोपियंस को वहां से भगा दिया लिटरली कह सकते हैं. उसके बाद ये वेस्टर्न यूरोप पे इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ एंड एक बहुत शैटरिंग इवेंट था. नेक्स्ट एडमंड बर्क डिसअप्रूव्ड द इवेंट्स इन फ्रांस इन हिज रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस. टॉम पाइनी शूड अ स्पिरिचुअल रिजॉइंडर टू बर्क इन हिज राइट्स ऑफ मैन. टॉम पाइन ब्लीडेड फॉर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर इंग्लैंड बाई पीसफुल और वायलेंट मीन्स. सो ये एडमंड बर्क इन लोगों ने और टॉम पाइनी इन दोनों ने ये जो इवेंट्स हो रहे थे फ्रांस में उस पे उसको डिसअप्रूव किया, उसको अपोज किया. और उनके कुछ बुक्स हैं जैसे रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस एंड बर्क इन हिज राइट्स ऑफ मैन. सो ये दो बुक्स हैं जिसमें इन लोगों ने, इन राइटर्स ने ये प्लीड किया है कि इंग्लैंड को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है या तो पीसफुल या फिर वायलेंट मीन से, चाहे जैसे भी हो इंग्लैंड को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है, विच मीन्स इंडिया, जैसे अभी इंडिया है जो भी इलेक्ट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हो रहे हैं, तो उसी तरीके से वहां पे भी इलेक्शन वाली क्राइटेरिया होनी चाहिए. वो इलेक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट करे, लाइक जो मिडिल क्लास है या लेबरर्स है वो सब कोई वोट करने का सबके पास में राइट हो, एंड वो जो हेरिडिटी वाली चीज चल रही थी वो नहीं चले उसके बाद, क्योंकि उस टाइम तक तो वो क्वींस रूल कर रहे हैं, तो वो वाली चीज ये लोग चाहते थे कि डिथ्रोन हो जाए, ये वाली रूल चली जाए एंड और इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाए. इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस बाई विलियम गॉडविन मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वर्ड्सवर्थ, शेले एंड अदर्स. सो मैंने शुरुआत में ही बताया कि इस यूनिट में हम सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन पे भी ध्यान देंगे. तो एक सोर्स ये है इन लोगों के लिए, विलियम गॉडविन नाम के राइटर ने लिखा था इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस. एंड इस बुक के थ्रू वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले एंड अदर्स, इन राइटर्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ा एंड इनके लिए एक इंस्पिरेशन था, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था. इससे कुछ थीम्स इन्होंने अपने राइटिंग्स में इंक्लूड किया, जैसे कि वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें भी इस तरीके की थीम देखने को मिलती है. Later events in the French Revolution, notably the execution time beings of the royal family, the gulleting of innocent people during the reign of terror and Napoleon's dictatorship, disenchanted the early supporters. So French Revolution ke jo later events the, aur later events mein notably, the point mein agar dekha jaye, jo execution time beings of the royal family ka uske baad murder hone laga. Ab dekho कितना कोई बेयर करेगा, कितने दिन तक कोई बेयर करेगा. जैसे अगर मेरे को मन करा यहाँ पे मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताऊं, जो अ टेल ऑफ टू सिटीज का एक पार्ट है, उसमें जो किंग थे वहां के, वो वहां से जा रहे थे ऑन हिज चैरियट एंड उसके सामने एक छोटा बच्चा खेलते हुए आ गया एंड उसके चैरियट से उस बच्चे का मतलब मर्डर हो गया. उसके गले पे, उस बच्चे के गले पे वो चक्का, उसका व्हील पूरा चढ़ गया एंड उस बॉय की भी ऑन स्पॉट डेथ हो गई. एंड हुई, मान लो एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली हुआ, ये गलती से हुआ, बट स्टिल किंग रुक सकता था एंड उसके फादर को कंफर्ट कर सकता था, जिस बच्चे का फादर वहां खड़ा था एंड वो अपने सामने उस बच्चे को मरते हुए देख रहा, कैसा लग रहा होगा उसको. सो किंग रुक सकता था एंड उस इंसान को थोड़ा सा सिंपथाइज कर सकता था, उसको फाइनेंशियल हेल्प दे सकता था, बट उसने कुछ नहीं किया. इनफैक्ट वो एक सिक्का उछाल कर दिया उस इंसान को, एक सिक्का, और ये सिक्का सिर्फ इसीलिए दिया गया क्योंकि वो अपने, मतलब उस टाइम के किंग से बहुत प्राइड आ गया था, बहुत एरोगेंस आ गया था. उसने सिक्का फेंका कि इससे जितना काम चलाना है चला लो, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, एंड वो चला गया. सो इस चीज को कितना कोई बेयर करेगा. ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स उस टाइम पे होते थे, रेप केसेस होते थे एंड मर्डर्स होते थे और एक्सप्लॉयटेशन होता था. सो उस बच्चे के फादर ने क्या किया, उस किंग के पैलेस में घुसकर जब वो सो रहा था तो उसका मर्डर कर दिया. सो इसी तरीके से रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स का मर्डर होने लगा, उनका एग्जीक्यूशन होने लगा, क्योंकि बेयर करने का भी एक लिमिट होता है.
गलेटिन, और उस टाइम पे लॉ नहीं था, सो ये मत बोलना कि आप कंप्लेन कर सकते थे, आपकी हेल्प हो जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अभी भी नहीं है. इनफैक्ट अभी भी नहीं, कोई खास हेल्प तो मिलता नहीं है, लॉ से मिलता भी है 15-20 साल लग जाता. सो वही था वहां पे, वो लोग मर्डर करने लग गए थे रॉयल फैमिलीज का, एंड द गलेटिन ऑफ इनोसेंट पीपल. गलेटिन एक, ये सब चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली चीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो BEGC 110 में है, अगर पढ़ोगे तो दिख जाएगा वहां पे, वीडियो भी देखोगे चलेगा. सो गलेटिन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जैसे बलि चढ़ाना होता है ना, अपने इंडिया में भी होता है किसी जगह पे, बकरी वकरी का, गाय वगैरह का बलि चढ़ता है. सो उसी तरीके से गलेटिन होता था, जिसपे कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का बलि चढ़ता था, एंड उसमें वो ह्यूमन बींग का गला फंसा दिया जाता था, एंड ऊपर से वो भारी सा शार्प सा ऑब्जेक्ट गिरता था, एंड इंसान का गला कट जाता था. सो दैट वॉज कॉल्ड गलेटिन, एंड ये इनोसेंट पीपल के साथ ज्यादा हुआ करता था ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर एंड नेपोलियंस डिक्टेटरशिप डिसएंचेंटेड द अर्ली सपोर्टर्स. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के पहले जो लोग सपोर्ट करते थे किंग्स और इन फैमिलीज को, ये सब चीजें होने के बाद, ये डिक्टेटरशिप, ये गलेटिन वाली इवेंट, ये एग्जीक्यूशन, ये सब चीज होने के बाद जो सपोर्टर्स थे वो भी प्रोटेस्टर्स में कन्वर्ट हो गए. एंड विद द इन्वेंट ऑफ जेम्स वॉल्स टीम, सॉरी, जेम्स वॉट स्टीम इंजन, विच रिप्लेस्ड विंड एंड वाटर एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन 1765, देयर वॉज अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द मीन्स एंड पेस ऑफ प्रोडक्शन. सो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, विच रिप्लेस्ड विंड एंड वाटर एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी. 1765 के पहले के लोग विंड एंड वाटर को अपना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बनाकर रखे थे, बट जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इंट्रोड्यूस करके एक रेवोल्यूशनरी चेंज क्रिएट किया, जिस वजह से जो प्रोडक्शन थी वो डबल ट्रिपल या कह सकते 10 टाइम्स ज्यादा स्पीड से बढ़ गई. एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर मशीनरी इन टू इंडस्ट्री क्लोन, देयर वॉज मोर अनएम्प्लॉयमेंट. सो ये एक इकोनॉमिक्स वाली चीज है कि जितना आप ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो जाओगे, अगर आप हाथ से करने वाले काम के लिए मशीन ले आओगे, तो ऑफकोर्स लेबरर्स की कम जरूरत पड़ेगी, एंड लेबरर्स जब कम होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. सो यही हो रहा था उस टाइम पर. द अनरेस्ट कल्मिनेटेड इन पासिंग द रिफॉर्म बिल. कैप्टन जेम्स कुक सर्कम नेविगेटेड द ग्लोब एंड डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड द सैंडविच आइलैंड्स. ओशन ट्रैवल बिकेम सेफर विद कुक्स एक्यूरेट चार्टिंग ऑफ द कोस्ट लाइन. तो यहाँ पे बात हो रही है कोस्ट लाइन्स की. एक कैप्टन जेम्स कुक ने क्या किया, पूरे ग्लोब को सर्कम, मतलब पूरे ग्लोब पे वो घूमे, इन शॉर्ट पूरे वर्ल्ड में वो घूमे, थ्रू थ्रू द सी, थ्रू ओशन, एंड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और सैंडविच आइलैंड को डिस्कवर किया, एंड कह सकते हैं कि उन्होंने एक मैप भी बनाया. सो इस वजह से, उनके वजह से, क्योंकि उनको एक्यूरेटली पता था कि कहाँ पे कौन से कोस्ट लाइन्स हैं, उनके इस एक्यूरेसी की वजह से ओशन ट्रैवल जो था वो ज्यादा सेफ बन गया, और ओशन ट्रैवल सेफ बन गया, सो ऑफ कोर्स ओशन ट्रैवल ज्यादा होने लगा. द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ न्यू मार्केट्स इन इंडिया एंड एल्सवेयर गेव एन इम्पेटस टू कॉमर्स. दिस इन टर्न लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. द पैम्पलेट बिकेम अ पावरफुल मीन्स फॉर डिबेटिंग कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज. अब यहाँ लिटरेरी, अगर लिटरेरी पोर्शन की बात की जाए, तो इस बैकग्राउंड में देखो, हम लोग बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं अभी, किस चीज का बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, तो रोमांटिक मूवमेंट और रोमांटिक पीरियड का बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं. सो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, हमने कुछ पॉलिटिकल भी देखे, इकोनॉमिकल भी देखे, सोशल अभी तक नहीं देखे हैं, बट अब यहाँ पे ये पैम्पलेट वाली चीज लिटरेरी में आती है. और ये जो पैम्पलेट होती है ना, ये एक शीट होती है, और उस शीट पे आप प्रिंट करवा कर, एक सिंगल शीट होती है, उस पर आप प्रिंट करवा करके आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप अपने व्यूज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये पैम्पलेट का यूज करते हो. सो उस टाइम पे ये कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज जो चल रहे थे उनको डिबेट करने के लिए पैम्पलेट बहुत हैंडी, बहुत यूजफुल हो गए. एंड द डिबेट ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज कंडक्टेड थ्रू पैम्पलेट्स. वो डिबेट्स भी उसी के थ्रू होने लगे, एंड द डिबेट वॉज रिप्लेस्ड बाय द पीरियोडिकल फॉर डिबेट ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. फर्दर पैम्पलेट जो है आगे जा करके रिप्लेस हो गए पीरियोडिकल से. सो पीरियोडिकल्स इन शॉर्ट टर्म, इन सिंपल टर्म, मैगजीन्स, जो मैगजीन्स होते हैं जो फोर्टनाइटली या फिर मंथली या वीकली पब्लिश होते हैं, वो चीज रिप्लेस कर गई पैम्पलेट को. एंड ऑफ कोर्स पैम्पलेट में कम चीजें इंक्लूड होती थी, पीरियोडिकल्स में ज्यादा चीजें इंक्लूड होने लगी, काफी थरो डिबेट होने लगा उसके बाद.
The romantic writers lived through such momentous changes in the political, economical, social, and literary spheres. The idea of revolution informed the romantic movement from the beginning. Many major writers of this period were aware that great changes were taking place around them and that these changes would inevitably find their way into literature also. So, ये जो romantic writers थे ये इस age में रह रहे थे, ये जो period है जिसमें ये सब चीजें हो रही है यही उनका background है. So, of course, जो आसपास होता है वो चीज इंसान को बहुत impact करता है. So, वही हो रहा था इन romantic writers के साथ. इन लोगों ने इन political, economical, social and literary spheres को काफी closely study किया and idea of revolution या idea of revolution इनके दिमाग में था. तो बाहर अलग तरीके की रेवोल्यूशन चल रही थी एंड इनके राइटिंग्स में अलग तरीके का रेवोल्यूशन था, विच विच लिटरली मीन्स कि इन्होंने अपने पोएम को पूरा तरीके से चेंज किया, एक्सपेरिमेंट किया अपने पोएम्स के साथ. पहले जो फीचर्स यूज होते थे पहले के पोएम्स में उसको उन्होंने चैलेंज किया एंड अपना खुद का क्रिएशन बनाया, एक एक्सपेरिमेंट किया. सो रेवोल्यूशन इस लिटरेरी वर्ल्ड में भी आया. Many major writers of this period were aware that great changes were taking place around them. और इन लोगों को awareness था कि उनके आसपास बहुत बड़ी changes हो रही हैं. And इस वजह से इनका ये जो thought था, ये जो changes के वजह से इन पे जो impact था, of course उनके works में भी देखने को मिला. The French Revolution swept away time-honored hierarchies in different spheres. The new slogans of liberty, equality and fraternity promised a free and egalitarian society. तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इट स्वेप्ट अवे टाइम ऑनर्ड हायरार्कीज इन डिफरेंट स्फीयर. हायरार्की जो लेवल वाली चीज होती है कि आप नीचे लेवल के लोग हो, आप हाई लेवल के हो, या आजकल लोग उसका दूसरा टर्म यूज करते हैं पुअर, मिडिल क्लास या हाई फाई लोग, तो वो हायरार्की वाली चीज मतलब खत्म हो गई और न्यू स्लोगन्स आए ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एंड दैट प्रॉमिस्ड अ फ्री एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी. The principle of this dissolution of hierarchies carried into literature means that the genres of the epic and the tragedy, which were at the top of the literary pyramid, had to yield place to such forms as the lyric, the ode, and the ballad. Okay, so यहाँ ये बताया जा रहा है, जैसा इस एक पैराग्राफ ऊपर था कि इनके राइटिंग्स में भी रेवोल्यूशन आया, तो किस तरीके का रेवोल्यूशन था वो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है कि पहले लोग जो है वो एपिक एंड ट्रेजिडी को बहुत ही हाई लेवल देते थे, एक ग्रैंडियर वाला लेवल था उन लोगों के पास, विच मीन्स उन लोगों ने उन जॉनर्स के पास एपिक एंड ट्रेजेडी इसको लोग ज्यादा पढ़ते थे, इसको लोग ज्यादा वैल्यू करते थे, इसको लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट समझते थे एपिक और ट्रेजेडी को. बट इनके पीरियड में रोमांटिक राइटर्स ने क्या किया, उस ट्रेजेडी एंड एपिक वाली जो मेंटालिटी थी लोगों की उसको उन्होंने कोशिश किया बदलने का एंड इसीलिए उन्होंने अपने राइटिंग्स में चेंजेस लाए. जैसे वो लोग लिरिक लिखने लगे, ओड लिखने लगे, बैलेट लिखने लगे. तो यहाँ पे मैंने गूगल से कुछ उसके शॉर्ट डेफिनेशंस भी डाले हैं ताकि इजीली समझ आए. ओड होती है अ लिरिक पोएम दैट टिपिकली वन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ये जो ओड होती है ना, इट्स अ लिरिकल पोएम एंड इट इज एड्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एक सिंगल सब्जेक्ट पे बेस्ड होती है, जैसे ओड टू अ नाइटिंगेल है, ओड टू अ ग्रेशियन अर्न है. तो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के ऊपर पूरी पोयम लिखी हुई होती है, ठीक है. और लिरिक, ये लिरिक एक जॉनर है, एक टाइप ऑफ पोयम है दैट एक्सप्रेसेस द राइटर्स इमोशंस टिपिकली ब्रीफली एंड इन स्टैंजास और रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स. तो ये जो लिरिक जो पोयम होती है ये राइटर के इमोशन को और काफी ब्रीफली राइटर के इमोशन को एनालाइज करती है एंड ये स्टैंजास में होते हैं एंड वो स्टैंजास होते हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स होते हैं. और ये आती है बैलेट. बैलेट एक शॉर्ट कह सकते हैं या शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है पोयम, बट वो कोई स्टोरी को रिसाइट करती है, उसको कहते हैं बैलेट. इन लैंग्वेज दे कल्टिवेटेड स्पीच ऑफ द एलाइट वाज सॉट टू बी रिप्लेस्ड बाय द स्पीच ऑफ द कॉमन पीपल. सो ऊपर वाली जो पॉइंट थी, ये बैलेड, ओड एंड लिरिक वाली पॉइंट, ये तो चेंज थी जॉनर के साइड में, ठीक है. और यहाँ पे लैंग्वेज के साइड की बात की जाए तो लैंग्वेज में पहले लोग बहुत ही कल्टिवेटेड स्पीच
विच मीन्स बहुत ही लॉफ्टी स्पीच यूज करते थे, या कह सकते हैं कि बहुत ही ग्रैंड थीम्स, ग्रैंड स्पीच यूज करते थे ऑफ द इलाइट. जैसे राजमहल में जो पैलेसेस में जो किंग्स एंड क्वींस आपस में बातचीत करते थे, उस तरीके से इन लोग पहले जो लिखते थे वैसा. तो इन लोगों ने उसको चेंज किया, वो पहले वाली जो एकदम फिक्स्ड रहता था कि ऐसे ही बात करना है उन लोगों कैरेक्टर्स को, इसको उन्होंने चेंज किया एंड उसको रिप्लेस किया स्पीच ऑफ द कॉमन पीपल. अब स्पीच में बोलने का तरीका भी आता है एंड बोलने का कंटेंट भी आता है. जो पहले के लोग थे जो एपिक और ट्रेजेडी लिखते थे, उनके एपिक्स एंड ट्रेजेडी में वो कंटेंट होता था जो पैलेसेस में देखा जाता था एंड पैलेसेस के लोग बोलते थे, सोचते थे. बट अब इन रोमांटिक पोएट्स ने क्या किया, उसको भी चेंज किया, पूरा लैंग्वेज चेंज किया, कॉमन पीपल का लैंग्वेज यूज किया, उनका डे टू डे लाइफ और उनका हाउस होल्ड कोर्स, इन सब चीजों को डिस्क्राइब किया. इन द चॉइस ऑफ थीम्स, थीम्स की बात की जाए तो पहले के जो ग्रैंडोलिक्वेंट थीम्स एंड ग्रेट इवेंट्स, इन सब को चेंज करके, डिसप्लेस करके मोर कॉमन प्लेस इंसिडेंट को इंक्लूड किया अपने राइटिंग्स में. कह सकते हैं कि बहुत एरिस्टोक्रेटिक से एकदम कॉमन पीपल पे आ जाना, उस तरीके का चेंज हुआ. द कैरेक्टर्स डिपिक्टेड इन पोएट्री नीड नॉट बी किंग्स और क्वींस, हम्बलर फोक्स लाइक अ लीच गैदरर और अ हाईलैंड लैस और इवन एन इडियट बॉय वॉज गुड इनफ फॉर पोएटिक कॉम्पोजिशन. और पोएट्री में किंग्स और क्वींस का कैरेक्टर कम हुआ, उसके जगह हमलर फोक्स आए. जैसे कोई इडियट बॉय को भी वो लोग अपना प्रोटोकॉनिस्ट या फिर अपने पोएम का कैरेक्टर बना देते थे. तो ये सारी चेंजेस थी. स्पिरिट ऑफ द एज डिमांडेड दीज चेंजेस एंड द क्रिएटिव राइटर रिस्पॉन्डेड एंथुसियास्टिकली. सो ये जो एज चल रही थी, ये रेवोल्यूशन वाली चेंज थी, हर चीज में रेवोल्यूशन चाहिए था. पहले तो इस रेवोल्यूशन की एज से पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो किंग्स एंड क्वींस के फैमिली के लोग हैं वही खुश हैं, बाकी सबको ये एक्सप्लॉइट करते थे एंड अपने अंडर में रखते थे, डोमिनेट करते थे ये किंग्स एंड क्वींस. सो वो वाली चीज खत्म होना बहुत जरूरी था और हुई भी खत्म एंड उसके साथ लिटरेचर में भी उसका एंड हुआ. उसके बाद कॉमन पीपल के ऊपर स्टोरीज और पोएम्स लिखी जाने लगी एंड ऑफकोर्स एज में हो रहा था इसीलिए डिमांड लिटरेचर में भी बढ़ा एंड जो क्रिएटिव राइटर्स है रोमांटिक पीरियड के, इन लोगों ने काफी एनर्जेटिकली रिस्पॉन्ड भी किया इन चेंजेस को. ये वाली पार्ट थी बैकग्राउंड. अब नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म. सो आप देख रहे हैं कि एक पार्ट में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है बिकॉज ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड आप लिटरेचर स्टूडेंट हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. क्यों, लिटरेचर पढ़ रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, ये नहीं पता तो फिर शर्म की बात है. अगर डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म की बात की जाए तो इसके लगभग 11,396 डेफिनेशंस हैं. द टर्म कम्स फ्रॉम द नेम रोम, रोम से डिराइव किया हुआ है. इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक या रोमांस सुनकर हमारे मन में वो एक जो थॉट है जो बचपन से सुनते आए हैं मूवीज में, सीरियल्स में या एनिमे में या फिर वेब सीरीज में, कहीं भी वो रोमांस वाली जो एलिमेंट होती है वो फिक्स हो गई है दिमाग में. बट लिटरेचर में रोमांस उसको डिपिक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है. लिटरेचर वाली रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज बिल्कुल ही डिफरेंट है रोमांस से. सो इन द 7th एंड 8th सेंचुरीज देयर वेयर मेनली 3 लैंग्वेजेस इन यूरोप. ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो बस पढ़ने के लिए, जैसे लिंगुआ लैटिना विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर्स, लिंगुआ बार्बरा विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स एंड लिंगुआ रोमना, सॉरी, विच वॉज अ ग्रुप ऑफ वल्गर लैटिन डायलेक्ट्स फ्रॉम विच द रोमांस लैंग्वेजेस नेमली फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पोर्टुगीज एंड रोमानियन आर डिराइव्ड. सो ये 3 टाइप के लैंग्वेजेस थे. द टर्म रोमांटिक वॉज फर्स्ट यूज इन द लेट 17th सेंचुरी टू डिस्क्राइब पेंटिंग्स विद सर्टन बिजायर क्वालिटीज. ये रोमांटिक टर्म जो है पहले सॉरी अभी से पहले लेट 17th सेंचुरी में यूज होती थी टू डिस्क्राइब दोज पेंटिंग्स जो अनयूजुअल क्वालिटी के होते थे, अनकॉमन होते थे. उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए ये रोमांटिक वर्ड का यूज किया जाता था. What is meant by a romantic writer is one who insists on his own uniqueness. Romantic writer का literal meaning क्या होता है?
अगर किसी राइटर को हम रोमांटिक बोलेंगे, किस बेसिस पे बोलेंगे, उसके पोएम्स को एनालाइज करेंगे पहले, एंड ये देखेंगे कि उस पोएट ने पुरानी थीम्स को कॉपी किया है या अपना कुछ यूनिक चीज बनाया है. अगर उसमें यूनिकनेस देखने को मिलेगी तो उसे रोमांटिक राइटर बोलेंगे. जो भी राइटर है, जो भी पोएट है, उसको हम रोमांटिक राइटर कह सकते हैं, क्योंकि जो भी रोमांटिक राइटर्स होते थे वो अपने यूनिकनेस पे इंसिस्ट करते थे, पुराने कॉन्वेंशंस को तोड़ते थे, रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, एंड अपना एक्सपेरिमेंट क्रिएशन करते थे. विक्टर ह्यूगो ने एक डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्राइब किया है रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर. The term implies a literary and philosophical theory which tends to see the individual at the very center of all life and all experience. The individual is placed at the center of art. Literature is therefore an expression of his unique feelings and particular attitudes. ये जो romanticism term है, ये एक literary and philosophical theory देती है, जिससे हम individual को बहुत क्लोजली स्टडी कर सकते हैं. इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल के मतलब सबसे करीब जो चीज होती है, जो इमोशंस होते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं. एंड वो इमोशन कैसे पता चलेगी, तो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस से. इस आर्ट में, ये रोमांटिक पीरियड में जो आर्ट था, उसमें जो जो राइटर्स थे वो इंडिविजुअल को सेंटर में रखते थे, एंड उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसको पोर्ट्रे, उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करते थे. एंड इस वजह से कह सकते हैं कि जो लिटरेचर है, जिसे कहते हैं ना कि मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, वैसे ही रोमांटिक पीरियड का जो लिटरेचर था, इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज यूनिक फीलिंग्स एंड पर्टिकुलर एटीट्यूड्स. सो अब इंडिविजुअल को बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, तो उसके यूनिक फीलिंग्स को भी हम देखते थे, एंड उसका जो पर्टिकुलर एटीट्यूड था उसको भी देखते थे. और ये एक डेफिनेशन है जो आप पढ़ सकते हो. Next, romanticism spread through most of Western Europe in the 18th and 19th centuries. It affected literature, art, music, philosophy, religion, and politics. So, Western Europe mein iska kafi influence raha, spread out hua 18th and 19th century mein, and it affected the literature part, art, music, philosophy, religion, and politics. Har jagah iska impact raha, itne sare fields mein. Next jo part hai, ye bahut zyada important hai. Salient features of romanticism. So background वाली point important थी बहुत, और इस unit की बात अगर मैं बताऊं तो background वाली part important थी, and ये salient features वाली part important है. तो salient features का कहने का ये मतलब कि romanticism के क्या features थे, क्या main features थे जिनको पढ़ना जरूरी है. The function of poetry according to this view is to instruct and to please. So, हम देख सकते हैं, अभी तक हमने देखा कि ये रोमांटिक पीरियड में जो भी पोयम या बुक्स लिखे जाते थे उसमें इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता था. सो इंडिविजुअल पे अगर फोकस करेंगे तो ऑफ कोर्स ये देखेंगे कि उसके लाइफ में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उसने क्या अच्छा किया, उसने क्या बुरा किया, एंड उसके साथ जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है. तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो पोएट्री थी इस टाइम की, ये एक इंस्ट्रक्शन वाली थी. लाइक हमें प्लीज भी करती थी, हमें पढ़ने में अच्छा लगता था, एंड एक इंस्ट्रक्शन भी देती थी. आर्ट इज अ मिरर इन विच वी फाइंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. फॉर द रोमांटिक्स द सोर्स ऑफ पोएट्री इज द पोएट हिमसेल्फ. एज वर्ड्सवर्थ पुट्स इट, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इट इज एन इनबॉर्न गिफ्ट एंड नॉट समथिंग दैट कैन बी अक्वायर्ड. पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. द पोएट्स इमेजिनेशन क्रिएट्स पोएट्री. सो ये जो आर्ट है, आर्ट जो है वो लाइफ के रिफ्लेक्शन का मिरर है, विच मींस कि आर्ट जो है वो हमारे लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है. आर्ट एक मिरर है जो हमारे लाइफ का रिफ्लेक्शन हमें दिखाता है. एंड रोमांटिक्स के लिए, जो रोमांटिक राइटर्स थे, उनके लिए सोर्स ऑफ पोएट्री मेनली वो खुद होते थे. ऑफकोर्स इंस्पिरेशन दूसरे हो सकते हैं, कोई बुक से उनको लगा कि हाँ ये आइडिया अच्छी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो पूरा आइडिया ही कॉपी करेंगे, उस आइडिया पे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, या तो उसका पॉजिटिव साइड दिखाएंगे या नेगेटिव साइड, एंड वो भी एक कैरेक्टर के हेल्प से. एंड ये रोमांटिक्स जो थे वो कहते थे कि इनका जो सोर्स ऑफ पोएट्री है वो खुद थे, वो किसी से किसी को अपना सोर्स नहीं बनाते थे, किसी को कॉपी नहीं करते थे. एंड जैसा वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इनका जो मेन पोयम हम अगर आगे पढ़ेंगे तो पी बी शैले की पोयम है टू अ स्काई लार्क,
उसमें वो हनीमून पर गए थे एंड वहां पे वो घूम रहे थे अपनी वाइफ के साथ एक पार्क में, जहां पे वो स्काईलार्क को नोटिस किए। स्काईलार्क एक ऐसी बर्ड है जो बहुत ही दूर, बहुत ऊपर ऊंची उड़ती है या फिर छुपी रहती है, बस उसका आवाज सुनाई देता है और उससे पहचानते हैं कि हाँ ये स्काईलार्क है कहीं पर आसपास। सो उनको वो स्काईलार्क की आवाज आई एंड उनको उसी टाइम पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आए, उनको लगा कि इस पे पोएम बन सकती है। उस पे उन्होंने इतना लंबा पोएम, इतना इतना कह सकते ब्यूटीफुल पोएम है उसके ऊपर, आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इसी तरीके से बोला जा रहा है, वर्ड्सवर्थ ने बताया कि ये एक स्पॉन्टेनियस स्पॉट पे, कहते हैं ना किसी चीज को देखकर आपके मन में फीलिंग आया, आपको मन किया उस पे पोएम लिखने का, तो वो उसी टाइम पे फ्लो में आप लिखो, तो वो इन रोमांटिक राइटर्स का एक क्वालिटी था। ये जो पोयम है उनके लिए वो एक इनबॉर्न गिफ्ट है एंड इसको अक्वायर नहीं कर सकते, विच मीन्स इसका कोई कोर्स नहीं है, इसे आप पढ़ करके या सीख करके नहीं कर सकते, ये इनबॉर्न है, ये अंदर से आने वाली चीज है। पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड ये जो पोएट का इमेजिनेशन है उसे वो पोएट्री क्रिएट करते हैं। ब्लेक थॉट दैट पोएट्री कम्स फ्रॉम इंस्पिरेशन, विजन एंड प्रोफेसी। कीट्स सेड दैट पोएट्री शुड कम एज नेचुरली एज द लीव्स ऑफ अ ट्री। सो पोएट्री जो है वो इंस्पिरेशन, विजन, प्रोफेसी से आती है एंड जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग ये जो पोएट्री है ये इतनी नेचुरल होती है जैसे कि एक ट्री में लीव्स आते हैं। रोमांटिक पोएट्स मेड ड्यूरिंग डेयरिंग इनोवेशंस इन द थीम्स, फॉर्म्स, लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ पोएट्री। हमने देखा है कि कितनी चीजें इन्होंने चेंज की। लोली एंड इसेंट्रिक कैरेक्टर्स लाइक एन इडियट बॉय और लीच गैदरर आर मटेरियल फॉर पोएट्रिक ट्रीटमेंट बाय वर्ड्सवर्थ। सुपरनैचुरल थीम्स का फिर यूज होने लगा, लोली इसेंट्रिक कैरेक्टर्स का यूज होने लगा, जो कह सकते कि अनकॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स का यूज होने लगा एंड जिनका कह सकते फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है उनका उस टाइप के कैरेक्टर, फिर सुपर नेचुरल थीम का यूज होने लगा, जैसे कि सेंट कॉलरिज का पोएम द एंशिएंट मैरिनर्स एंड जॉन कीट्स का लॉन्ग पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इन सब में हम सुपर नेचुरल थीम्स को देख सकते हैं। रोमांटिक पोएट्री ऑफन डील्स विद फार अवे एंड लॉन्ग अगो एग्जॉटिक प्लेसेस एंड फॉरगॉटन इवेंट्स। सो ये जो रोमांटिक पोएट्री है ये बहुत पुरानी फॉरेन प्लेसेस की बात करती है, कुछ ऐसे इवेंट्स जो लोग भूल चुके हैं वो याद दिलाने की कोशिश करती है रोमांटिक पोएट्री। एंड इसका इंस्पिरेशन मेनली फोक लिटरेचर है एंड द लिटरेचर ऑफ द मिडिल एजेस एंड ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। कोई भी चीज तो बहुत बहुत ही पुरानी हो, ओल्ड एज की हो, उससे ये इंस्पिरेशन लेते थे। येट अनदर इनोवेशन इज द यूज ऑफ सिम्बोलिस्टिक टेक्निक्स नोटेबली बाय ब्लेक एंड शेले। एंड एक इनोवेशन इन्होंने और किया रोमांटिक राइटर्स, रोमांटिक पोएट्स ने, इन्होंने सिंबलिस्ट टेक्निक का यूज करना स्टार्ट किया। सिंबलिस्ट टेक्निक क्या होती है? तो जैसा वर्ड है सिंबल, सिंबल से सिंबलिस्ट बनी है वर्ड। सो ये जो सिंबल वर्ड है इसका क्या मतलब हुआ? आपके सामने अगर मैं एक वाइट डव ले आऊं, उस वो किस चीज का साइन है? वो पीस का साइन है। और किसी कार को आप कैसे पहचानते हो? अगर सामने से देख रहे हो तो कार पे नेम तो लिखी नहीं होती है, तो मर्सिडीज है, पोर्शे, लेम्बोर्गिनी है, जो भी है, वो आप कार के सिंबल को देख करके पहचान जाते हो, वो लोगो देख के पहचान जाते हो। उसी तरीके से इन लोगों ने सिंबल का यूज करना स्टार्ट किया, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स अपने वर्क में यूज किया जिसको वो किसी दूसरे चीज से रिलेट करने की कोशिश करते थे, और ये टेक्निक ब्लेक एंड शेली ने ज्यादा यूज किया। द लैटर पोएट्स वेस्ट विंड एंड स्काई लार्क आर गुड एग्जाम्पल्स। शेले का दो जो पोएम है वेस्ट विंड और स्काईलार्क, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे स्काईलार्क पोएम की अगर बात दी गई है तो मैं बता दूं कि टू अ स्काईलार्क में शेले ने हर एक स्टैंजा में मेटाफोर्स एंड सिमिलीज की कह सकते फ्लडिंग की है, पूरा उसमें भरा पड़ा है। हमारे स्लैंग लैंग्वेज में स्पैमिंग किया है इन्होंने, पूरा स्पैम कर रखा है सिर्फ और सिर्फ स्काईलार्क से रिलेटेड। स्काईलार्क को उन्होंने रिलेट किया है डे टू डे लाइफ से, वो स्काईलार्क जो बर्ड है उसकी बात हो रही है। द रोमांटिक पोएट्स डिस्प्लेड ह्यूमैनिटी विद एक्सटर्नल नेचर एज द पोएटिक सब्जेक्ट मैटर। ये जो रोमांटिक पोएट्स थे इन्होंने ह्यूमैनिटी को डिस्प्लेस किया एंड एक्सटर्नल नेचर को अपना पोएटिक सब्जेक्ट मैटर बनाया। रोमांटिक पोएट के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर
ये है कि इन लोगों को नेचर बहुत पसंद था, ये नेचर के बहुत करीब थे, इनको अपने पोयम में नेचर का डिस्क्रिप्शन देना बहुत पसंद आता था। दस द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप एंड इट्स एस्पेक्ट्स बिकम्स प्रोमिनेंट इन फैक्ट पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ सॉ इन नेचर द पावर टू चेसन एंड सबड्यू। तो मैंने आज जो भेजा ग्रुप में, मुझे इस पॉइंट से वो वाली पॉइंट याद आई थी, मैंने ग्रुप में जो इमेज भेजा है कि एक जो पेड़ होता है अगर उसमें बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं तो वो झुक जाता है, बट हमारे वर्ल्ड में हम आसपास देख सकते हैं जो बहुत रिच हो जाता है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है, वो हमसे दूर चला जाता है। वो लाइक हम फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग कभी साथ में थे किसी स्कूल में, अब आप कॉलेज में हो एंड उसे कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है, उसे परसेंटेज बहुत अच्छे मिल गए हैं, या उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छे जॉब में हो गया, वो आपको भूल जाएगा एंड वो आपसे बहुत ही ईगो के साथ, बहुत प्राइड के साथ बात करेगा अगर आप बात करने की कोशिश करोगे तो। फिर वो आपके ऊपर मतलब ऐसे देखेगा कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है। बट लिटरेचर हमें ये सिखाता है कि हम जितना अचीव करें लाइफ में, हमें झुकते मतलब हमें बेंड होना चाहिए, हमारे अंदर प्राइड और ईगो नहीं आनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, चेसन सबड्यू, विच मीन्स कि पोलाइट और हम्बलनेस बढ़ना चाहिए विथ आवर अचीवमेंट्स। तो ये चीजें इन रोमांटिक पोएट्स ने अपने पोएम्स के थ्रू हमको बताने की कोशिश की है। वाइल न्यू क्लासिकल पोएट्री इज रिटन ऑन अदर पीपल लाइक अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक, रोमांटिक पोएट्री इज अबाउट द पोएट हिमसेल्फ। न्यू क्लासिकल पोएट्री की अगर बात की जाए तो न्यू क्लासिकल पोएट्री के एक एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक, ये हमारे कोर्स में भी है BEGC 107 के फोर्थ ब्लॉक में। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोयम है जिसमें अलेक्जेंडर पोप किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर पोयम लिखे हैं। तो नियो क्लासिकल पोएट्री किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर, किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर पोयम होती थी, एंड रोमांटिक पोएट्री उससे बिल्कुल ऑपोजिट होकर खुद पोएट के ऊपर होती थी। लाइक जो लिख रहे हैं, जो पोएट है, उनके अपने पर्सनल फीलिंग्स की जो पोयम होती थी उसे रोमांटिक पोएट्री में इंक्लूड किया जाता है। अनदर सिग्निफिकेंट इनोवेशन इज द यूज ऑफ एवरीडे स्पीच। स्पीच वाली बात हो गई पहले ही कि जैसे कि पहले के लोग, मतलब रोमांटिक पीरियड के पहले के लोग बहुत ही ग्रैंड पोएटिक डिक्शन का यूज करते थे, इस पीरियड के लोग, रोमांटिक एज के लोग, जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, इन लोगों ने एवरीडे स्पीच यूज करना स्टार्ट किया ऑफ ऑर्डिनरी पीपल का। रोमांटिक पोएट्स लुक फॉर न्यू मीटर स्टैंजास, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्रिएट किया कुछ न्यू मीटर्स, कुछ न्यू स्टैंजास टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल फॉर्म्स। अब वो किस टाइप की चेंज थी वो यहाँ पे पढ़ेंगे। द हीरोइक कपलेट गेव प्लेस टू द बैलेड, द सोनेट, द स्पेंसेरियन स्टैंजा एंड अदर एक्सपेरिमेंटल वर्ड्स फॉर्म। तो ये हीरोइक कपलेट क्या होती है, ये दो लाइंस की कह सकते हैं पेयर होता है, जैसे संस्कृत में श्लोक होता है ना, तो वो जो दो लाइन वाली श्लोक होती है उसको कपलेट बोलेंगे, एंड हीरोइक कपलेट बोलेंगे जो बहुत ही ग्रैंड हो, पढ़ने में बहुत सा अच्छा लगे, लाइक कुछ अनयूजुअल सा लगे, और जो मतलब कॉमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में नहीं पढ़ते, सिंपल इंग्लिश नहीं होती है उसमें, मेटाफोर, सिमिली, सिंबल्स, इमेजेस, इन सब चीजों का ज्यादा यूज होता है और वो दो लाइन की होती है, तो उसको हीरोइक कपलेट बोलते हैं। गेव प्लेस टू बैलेड द सोनेट, डिस्पेंसेरियन स्टैंसा एंड अदर एक्सपेरिमेंटल वर्ड्स फॉर्म। तो पहले के लोग ये हीरोइक कपलेट का यूज करते थे एंड ये जो रोमांटिक पीरियड के लोग थे, इन लोगों ने इसको रिप्लेस किया एंड उसकी जगह बैलेड को एक स्टोरी जो पोयम में लिखी गई हो, सोनेट का यूज किया, 14 लाइन्स की पोयम होती थी, एंड स्पेंसेरियन स्टैंसा एक पर्टिकुलर जॉनर है, आप गूगल करना इसको, ये स्पेंसेरियन स्टैंसा एक पर्टिकुलर स्टैंसा को बोलते हैं जिसका जिसमें 8 आयाम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, एंड रूरल लाइफ इज आइडियलाइज्ड इन रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री में ऑफकोर्स कॉमन पीपल की बात हो रही थी, रूरल लाइफ पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। द वाइल्ड, अब यहाँ एक दूसरी पॉइंट है कि द वाइल्ड, द इररेगुलर एंड द ग्रोटेस्क इन नेचर एंड आर्ट फैसिनेटेड द रोमांटिक पोएट्स। नेचर में जो इररेगुलर, बहुत अनकॉमन या वाइल्ड साइड ऑफ नेचर कह सकते हैं, या अगली, ग्रोटेस्क का अगर मीनिंग होगा तो अगली बताया जाएगा, बट अगली की जगह अगर दूसरा टर्म यूज करें तो बहुत अनयूजुअल सा चीज, वैसी चीज इन लोगों ने यूज किया, एंड टैबू थीम्स लाइक इंसेस्ट आर यूज्ड विदाउट एनी इनहिबिशन। तो ये इरेगुलर किस चीजों को बोला जाता है जो कॉमनली सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल हो, टैबूड हो एकदम, कि वो एकदम मना हो, जैसे इंसेस्ट। इंसेस्ट कितना ज्यादा मतलब क्राइम वाला सिचुएशन है, बट इसको भी इन पोएट्स ने
बिना किसी शाइनेस के, बिना किसी इनहिबिशन के यूज किया अपने पोएम्स में. कन्फर्मिटी टू ट्रेडिशन एंड डेकोरम आज ऑब्जर्व बाय द अर्लियर जनरेशन आर नो लॉन्गर रिस्पेक्टेड. पहले की जनरेशन में लोग डेकोरम, ट्रेडिशन, रूल्स, गाइडलाइंस बहुत फॉलो करते थे. इन लोगों ने उसको तोड़ा, ब्रेक किया एंड अपने तरीके से अपने पोएम्स में सब तरीके की थीम को यूज करना स्टार्ट किया. क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म आर जनरली कंसिडर्ड समवॉट एंटीथेटिकल. क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म को एक दूसरे के ऑपोजिट बोला गया है, कि रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म की जो थीम्स है बहुत ही कंट्रास्टिंग है. दोनों में बहुत कम चीजें हैं जो कॉमन है, मेजॉरिटी जो है वो डिफरेंसेस ही हैं. क्लासिसिज्म इज कंसर्न्ड विद द सोशल, द फॉर्मल, द इंटेलेक्चुअल एंड द स्टैटिक, वेयर एज रोमांटिसिज्म इज कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल, द इनफॉर्मल, द इमोशन एंड द डायनेमिक. यहाँ शॉर्ट नोट्स की क्वेश्चन बन सकती है कि क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म के बीच के डिफरेंसेस को बताओ. तो ये जो क्लासिसिज्म थी ना, उसके जो वर्क्स होते थे वो काफी सोशल से रिलेटेड था. मतलब इंडिविजुअल की जगह पूरा एक मास को कवर करता था, फॉर्मल होता था, इंटेलेक्चुअल, डाइडैक्टिक कह सकते, स्टैटिक होता था, फिक्स्ड होता था, उनका थीम जो था वो फिक्स होता था. एंड रोमांटिसिज्म ऑन द अदर हैंड, ये इंडिविजुअल से रिलेटेबल था, इनफॉर्मल था, बहुत ही इमोशनल था एंड डायनेमिक. इंटेलेक्चुअल हो गया कि बहुत दिमाग से सोचा हुआ, आप बहुत जोर लगा रहे हो किसी भी चीज पे, अपना डिबेट कर रहे हो, अपना व्यूज रख रहे हो, वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल पार्ट में चला जाता है. एंड रोमांटिक्स वाले जो राइटर्स थे ये इमोशनल. अब मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे ये जो रोमांटिसिज्म वाली जो पोएम्स है मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये ज्यादा इमोशन इमोशन से अटैच्ड है. एंड द डायनेमिक, विच मीन्स कि रोमांटिसिज्म काफी डायनेमिक थी, बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक लगती थी. हर पोएम में कुछ नया देखने को मिलता है. एंड द नियो क्लासिकल राइटर्स वेर इंटरेस्टेड इन कन्फर्मिटी, फॉर्मैलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. तो ये जो पॉइंट्स है ये नियो क्लासिकल की है, जिसमें थोड़े पॉइंट्स रोमांटिसिज्म के भी हैं और थोड़े क्लासिसिज्म के भी हैं. क्लासिसिज्म फोकस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल, रोमांटिसिज्म ऑन द इमोशनल. सो ये पॉइंट मैंने पहले ही कॉन्ट्रास्ट कर दिया कि ये अपने दिमाग से सोचकर लिखते थे एंड रोमांटिसिज्म अपने हार्ट से सोचकर लिखते थे. So this was about all the features of romanticism. Next part, जो इस वीडियो की लास्ट पार्ट होगी वो 1.5 early romantic poets. James Thomson, ये एक राइटर है जो अर्ली रोमांटिक पोएट्स के पार्ट मतलब पीरियड से बिलोंग करते हैं. इनका इंटरेस्ट था नेचर में. अब पहले एक पॉइंट में बता दूं, हर राइटर, हर एक रोमांटिक पोएट के पास नेचर लव वाला, जो नेचर लवर कहते हैं ना, वो वाली चीज थी. उनका एक क्वालिटी था कि वो नेचर उनको बहुत बहुत ज्यादा पसंद था एंड नेचर से बहुत इंस्पायर होते थे. उनके पोयम का मेन सोर्स नेचर ही होता था. उसी तरीके से जेम्स थॉमसन के लिए नेचर बहुत इंटरेस्टिंग था. उनका जो पोयम है द सीजन्स, इट इवोक्स इंटरेस्ट इन द प्रोसेसेस ऑफ नेचर. नेचर के प्रोसेसेस पे वो ज्यादा फोकस करते थे. He is fascinated by the fearful aspects of nature such as floods and storms. अब ये जो है fearful aspects से ज्यादा fascinate होते थे, like ये floods, storms, volcano eruptions and जो भी natural calamities होते हैं ना, उन पे ज्यादा focus करते थे. उसे fascinate होकर उसका positive side दिखाते थे. And he is described as a poet of pictorial landscape. He speaks of the interactions between man and nature in the seasons. Man और nature के बीच की जो interaction है उन्होंने अपने पोयम के थ्रू डिपिक्ट किया है. नेक्स्ट राइटर है अर्ली रोमांटिक पोएट वाले पीरियड के, मार्क एकेनसाइड वाज अनदर फोर रनर ऑफ वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ की बात हर एक पैराग्राफ में लगभग आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड के एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर है. पीबी शेले भी हैं, बट वर्ड्सवर्थ का एक अलग ही लेवल है. तो जैसे एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर का काफी ज्यादा था प्रोमिनेंसी, सिग्निफिकेंस ज्यादा था, उस तरीके से रोमांटिक पीरियड में वर्ड्सवर्थ का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कह सकते हैं. सो ये जो मार्क एकेनसाइड है ये वर्ड्सवर्थ के फोर रनर थे, मतलब इनसे पहले लिखा करते थे. एंड ही अटेम्प्टेड टू रिवाइव द ग्रीक फॉर्म्स ऑफ द लिरिक. इन्होंने लिरिक का ग्रीक फॉर्म को रिवाइव करने का कोशिश किया. एंड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन इज एट वंस डिडक्टिव एंड
डायडैक्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव. इनका सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन. ये डायडैक्टिक है, विच मीन्स आपको लगेगा उपदेश, मतलब उपदेश हम लोग लेक्चर कहते हैं, जिसे हम थोड़ा नेगेटिव तरीके से अब यूज करते हैं कि कोई कुछ बोलने लगा कहते ज्ञान मत दो, उपदेश मत दो, ऐसा यूज करते हैं ना. बट कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं जो बहुत जेन्युइन लगेंगे एंड उसके जो डायडेक्टिव डायडेक्टिक उसका जो नेचर है वो अच्छा होता है, वो पॉजिटिव साइड होता है. वो हमें बताता है कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है. जब हम लो फील करते हैं या समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, तो इन पोएम्स के थ्रू बेटर फील कर सकते हैं. द पोएट सीज दैट द ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर इज शोन डायरेक्टली टू द प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट. ब्यूटी एंड हार्मनी ज्यादा पोर्ट्रे करते थे ये अपने पोएम में एंड इनको ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर ज्यादा पसंद थी. जोसेफ वाटन्स द एंथुसियास्ट रिप्रेजेंट्स रोसियोज प्रिमिटिविज्म एंड द रोमांटिक्स लव ऑफ द एंटीक. इट स्पीक्स ऑफ द कम्युनियन विद नेचर, द सुपीरियोरिटी ऑफ द नोबल सैवेज एंड द आइडियलिक इनोसेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड. जोसेफ वार्टन एक और राइटर है जिनको ये पोएम है एंथुसियास्ट. इसमें इन्होंने प्रिमिटिविज्म मतलब ओल्ड एज एंटिक्विटी, बहुत ही एंसेस्टर्स के जो थॉट्स थे उसको उन्होंने रिवाइव करने का कोशिश किया है. उन थीम्स को उन्होंने अपने पोएम्स में दोबारा से लिखा है. विलियम कॉलिंस exercised pervasive influence on almost all the romantic poets. He finds that landscape evokes ideas and emotions. He particularly loves nature at twilight. His ode to evening is the forerunner of Keats to autumn. Romantic tendencies used such as a return to the past and anti-intellectual intellectualism may be noticed in his ode on popular superstitions. Coleridge is impressed with Collins' use of superstitions and classical legends. Collins' favorite theme of the twilight scene is illustrated in the following lines. आप lines खुद से पढ़ सकते हो. ये जो William Collins है, ये भी एक early romantic poet है, जो landscape इनके लिए बहुत important था. ये landscape से inspire होकर लिखते थे poem and landscape से ही कुछ ideas and emotions को evoke करते थे. अब ये जैसे मैंने एक example दिया था वो tree वाला, कि tree पे ज़्यादा fruit होता है तो वो bend हो जाता है. तो ये भी किसी romantic writer या early romantic writer नहीं लिखा होगा, किसी ऐसे इंसान का thought होगा जिसको nature बहुत पसंद है. So किस तरीके से उसने connect कर दिया human life को nature से, कैसे connect कर दिया, तो इन type की जो connections, ये जो similes हैं, ये metaphors हैं, comparison है, ये सब चीज़ romantic writers या early romantic poets में ज़्यादा होता था. So इसके इनके लिए भी ये लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट था. इससे उनको आइडिया एंड इमोशन इवोक होता था उनका. एंड इनका फेवरेट है नेचर एट ट्वाइलाइट, मतलब इवनिंग के टाइम पे जब सनसेट होती है, जब थोड़ा सा लाइट बचता है स्काई में, उस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था. उस टाइम का नेचर उनको सबसे ज्यादा पसंद था. एंड इनका इनका ये जो वर्क है ओड टू इवनिंग, ये कीट्स के कीट्स का जो वर्क है टू ऑटम. अब ये जो कीट्स है, ये रोमांटिक राइटर है, इनका इंस्पिरेशन है. जॉन कीट्स इस पोएम से इंस्पायर हुए, ओड टू इवनिंग से इंस्पायर होके अपना पोएम लिखे टू ऑटम. एंड रोमांटिक टेंडेंसी, रोमांटिक राइटर्स का टेंडेंसी होता था कि वो पास्ट में रिटर्न करें, वो एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म को फॉलो करें, दिमाग से सोचने के बजाय इमोशंस से, मतलब इमोशंस पे ज्यादा ध्यान दें एंड एंसेस्टर्स से रिलेट करें कुछ चीज़ों को. फिर इन्होंने सुपरस्टिशन का यूज करना स्टार्ट किया, जिससे सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये एक रोमांटिक पोएट है, ये विलियम कॉलिंस से इंस्पायर हुए एंड इन्होंने अपने पोएम्स में सुपरस्टिशन और क्लासिकल लेजेंड्स का, कुछ फोकलोर पीपल का यूज करना स्टार्ट किया. फिर थॉमस ग्रेस, इनका एक ये पोएम है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड. ये भी कोर्स में हमारे BGC 108 लास्ट ब्लॉक. ये एलेजी है, एलेजी होती है, सिंपल बताऊं तो एलिजी एक ऐसा वर्क है, ऐसा पोयम या ऐसा सॉन्ग है जो किसी के डेथ के बाद उसके डेथ को मोर्न करने के लिए, उसको कह सकते हैं सेलिब्रेशन नहीं बोलेंगे इस वर्ड को, सेलिब्रेशन पॉजिटिव होता है, मोर्नफुल बहुत मतलब रोना धोना करना, किसी चीज पे बहुत दुख जताना, तो उस टाइप का होता है एलिजी. तो ये एलिजी किसी इंडिविजुअल के ऊपर उन्होंने नहीं लिखा था, ये कंट्री चर्चयार्ड के ऊपर लिखा हुआ है. लाइक कुछ विलेजर्स हैं जो कंट्री साइड पीपल हैं, उनका डेथ हुआ है और वो अपने मतलब जमीन के अंदर, मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे में उनका डेड बॉडीज है, वो देख करके इनको ये पोएम लिखने का मन किया. तो ये उनका पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड.
pays attention to nature and a humble life which are dear to the romantic poets. इसमें भी नेचर और हम्बल लाइफ को ज्यादा डिपिक्ट किया गया है. ये राइटर है विलियम काउपर, इज येट अनदर प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म. फॉर हिम लव ऑफ नेचर एंड रिलीजियस वर्शिप आर रिलेटेड एक्टिविटीज. इनको भी नेचर बहुत पसंद है. मैंने बताया अगर किसी भी रिलीजियस राइटर की, सॉरी रिलीजियस नहीं, रोमांटिक राइटर की बात की जाए तो आप पहला लाइन यही कह सकते हो कि ये नेचर लवर होते थे एंड इनका पोएम का मेन इंस्पिरेशन, मेन सोर्स नेचर हुआ करता था. नेचर के कुछ एलिमेंट्स इनको बहुत फेवरेट हो जाते थे इनके एंड फिर वो उसके ऊपर पोएम्स लिखते थे. He believes that contemplation in the midst of nature will bestow wisdom more easily than the reading of books. इनका कहना ये है कि आप नेचर के बीच में रह करके बहुत चीज सीख सकते हो. जितना आप बुक से नहीं सीखोगे उससे ज्यादा विजडम आपको नेचर के बीच में रह करके मिलेगा. आपको वहां ज्यादा अच्छा लगेगा. He prefers the beauty of the countryside and he portrays nature in his poem. और इनके लिए countryside, यानी villagers, बहुत poor people जो होते हैं जिनका साइड उतना डेवलप नहीं होता है, वहाँ उतने इंडस्ट्रीज, पॉल्यूशन और डेली chaos उतना नहीं होता है, तो उस साइड को ये ब्यूटिफाई करते हैं. इनके लिए वो चीज बहुत अच्छी है, उनको बहुत ब्यूटिफुल लगता है कंट्री साइड. एंड अपने पोएम्स में, जैसा पहले ही बताया गया, कि वो नेचर को पोर्ट्रे करते हैं. एंड अपने पोएम्स में विलियम काउपर ने रूरल लाइफ को अर्बन सीन से कंपेयर किया है. तो ये कुछ पोएम है, कुछ पोएम के लाइंस हैं जिसमें उन्होंने रूरल लाइफ को अर्बन सीन से कंपेयर किया है. सो ये लास्ट राइटर थे ये रोमांटिक पोएट पीरियड के. नेक्स्ट पार्ट में हम ये कवर कर सकते हैं रॉबर्ट बर्न्स, बट नेक्स्ट क्लास से हम लोग बीपीसीजी 174 स्टार्ट करेंगे. Let me stop recording now. आज की सेशन यहीं पे एंड होती है.